उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मजेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा, फैसला जनता का? उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज, मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है, लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख, जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी। आपके पक्ष में यहाँ सभा करके गए हैं, क्या कहा है मुख्यमंत्री जी ने? आप सबने सुना जी, और हमने विकास किया है जी, और विकास करेंगे। विकास किया है, विकास करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी कच्ची कॉलोनियाँ थी, उन सब में पक्की सड़क पहुँचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। 80% कॉलोनियों में हमारी पक्की सड़क बन गई हैं, शेष में अभी कार्य प्रगति पर है। हमारे यहाँ 1,25,000 घर हैं, 70,000 घरों में गंगा जल भेज रहे हैं, बाकी सब जो घर हैं उनमें बोरिंग के पानी से सप्लाई कर रहे हैं, और 2024 तक हर घर गंगा जल पहुँचेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है, आप अपने कैमरा को लेकर जाएंगे जिला अस्पताल तो आपको देखेंगे, वहाँ 20 बेड का हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, 70 जो बेड हैं वहाँ उन सबको ऑक्सीजन के साथ जोड़ा है। हमारी जो लैब थी उसको अपग्रेड किया हमने, कोविड लैब, उसको 5 गुना उसकी वृद्धि की है। सड़कें, गड्ढेदार सड़कें थी उनको भी हम लोग काम कर रहे हैं, वृंदावन से मथुरा वाला मार्ग है, मथुरा से गोवर्धन वाला मार्ग है, उस पर भी काम कर रहे हैं। मुख्य जो मार्ग हैं जो भगवान कृष्ण के जन्मभूमि तक पहुंचते हैं उनका भी हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ मार्ग हैं जो वृंदावन पहुंचते हैं उन पर भी तेज गति से कार्य चल रहा है। तो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये विकास की धुरी है। 17 से पहले उबड़ खाबड़ गलियाँ थीं, अंधेरा था और कूड़े के ढेर लगे रहते थे, अब आप देखिए हमारा मथुरा कितना जगमगा रहा है, मथुरा दूधिया। लगभग कितने वोटों से जीत आपकी हो रही है, क्या अनुमान है? ये तो जनता तय करेगी, और जनता आशीर्वाद दे रही है खूब, क्योंकि जनता काम चाहती है, जनता काम चाहती है, जितना जनता काम चाहती है, और लोगों को काम दिख रहा है। लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोगों को सुरक्षा दिख रही है, लोग बिजली चाहते हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहते हैं उसका लाभ हो रहा है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं उस पर काम कर रहे हैं, और हम स्पोर्ट्स पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बेटे और बेटियाँ आने वाले समय में ओलंपिक की तैयारी हमारे मथुरा में करें, उस पर भी हम इंफ्रा पर काम कर रहे हैं, एजुकेशन हब बनाने पर काम कर रहे हैं, जवाहर बाग को कितना सुंदर बनाया है, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं, 20 चौराहे हैं उनको हमने स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में लिया है, व्यापारियों की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, आप सबकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है, कोई अगर कहीं गलत काम करके जाता है तुरंत वो हमारी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, हर घर को सीवर से जोड़ रहे हैं, यमुना को शुद्ध करना है, लेकिन जब तक हर घर सीवर से नहीं जुड़ेगा माँ यमुना शुद्ध नहीं हो सकती, उस पर तेज गति से काम कर रहे हैं। बहुत काम किया है और बहुत काम अभी करना। एक अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आप लगभग कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं? अब की बार 300 पार। ठीक है, ये थे, इधर ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा जी, और यहाँ उनके पक्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक सभा की है और लोगों से अपील की है कि श्रीकांत शर्मा को वोट दें। जनता तय करेगी कि यहाँ से आने वाले समय में कौन विधायक होगा। मैं न्याय टीवी के लिए वृंदावन मथुरा से योगेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर?
मजेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा, फैसला जनता का, उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज। मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है। लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख, जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी।